अस्सलाम वालेकुम। PSY409 पॉजिटिव साइकोलॉजी का GDB का जो सलूशन है वो इस वीडियो में बताने लगा हूँ। और लेकिन फिर से मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यूट्यूब चैनल को साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करें। और साथ में ये है कि समटाइम मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कमेंट्स में कि इस सब्जेक्ट का जो है GDB का जो सलूशन है वो बता दें। अब मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इस हवाले से होता है कि मुझे GDB में जो पूछा जाने वाला जो क्वेश्चंस है उसका नहीं पता होता तो मैं किस तरह से सलूशन प्रोवाइड कर दूँ। तो इसलिए आप कमेंट्स तो करते हैं तो लाजमी साथ में ये है कि आप उसका जो क्वेश्चन है GDB का वो लाजमी पेस्ट कर लिया करें कमेंट्स में ही। देन ये है कि फिर मैं उसका सलूशन जो है एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको दूंगा वीडियो की सूरत में और साथ में मैनुअल सलूशन। अच्छा, साथ में इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो भी साथ में आप मतलब जो है ना पूरा पूरा GDB का क्वेश्चन साथ में उसके जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो भी आपने पेस्ट करनी है ताकि मैं आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस के साथ ही जो है वो आपको GDB का जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उसका मैं प्रोवाइड कर सकूं, दे सकूं आपको। अच्छा, GDB का जो क्वेश्चंस है PSY409 पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। इसमें सिर्फ आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए वो, और इसका जो एडवांस लेवल पे ये है कि लाइफ सेटिस्फिकेशंस क्या होती है ग्रेटिट्यूड को लेकर किसी भी रिलेशनशिप में, तो बस ये पूछा गया आपसे। तो जाहिर सी बात है कि लाइफ सेटिस्फिकेशन से आप जाहिर सी बात है कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और विचुअल लाइफ को अगर देख लिया जाए, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो आपका सब्सक्राइब करना एक किस्म का मेरे लिए ग्रेटिट्यूड है और जिससे क्या है कि मेरे मेरे अंदर एक इंस्पायरेशन आएगी, एक ब्लेसिंग वाली एक जो है ना वो चीज़ें आएंगी जिसे क्या होगा कि मैं आपसे एक किस्म का ब्लेसिंग ही रिसीव कर रहा हूँ और मैं मजीद मोटिवेट हो रहा हूँ और मजीद आपके लिए वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो एक किस्म का अगर कोई अगर यूट्यूबर्स कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और देन वो आपसे एक किस्म का ग्रेटिट्यूड ही फीडबैक मांग रहा हो रहता है कि काइंडली आप शुक्रगुजारी करें थोड़ी सी इस हवाले से कि आप वीडियो को लाइक कर दें या वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्या क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब कि शुक्रगुजारी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अप्रिशिएटिव फॉर ब्लेसिंग रिसीव, एक किस्म का बहुत अच्छा जो है ना वो शुरू से एक जरिया रह चुका हुआ है ब्लेसिंग रिसीव करने का, मतलब कि किसी से दुआ वसूल करने का या फिर नेमतें वसूल करने का, इसको आप कंसिडर कर लें चलें। उसके बाद फिर क्या है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे सिग्निफिकेंस मतलब कि कुछ हकाई को आप रिलेशन में जो लाइफ सर्टिफिकेशन में है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें 200 से 250 वर्ड्स हमने टाइप करने हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में तो 300 से 350 वर्ड्स थे, तो इसलिए आप वर्ड्स की जो स्ट्रेंथ है उसको लाजमी देख लिया करें। अगर 200 है मिनिमम तो 200 तक रखें, 200 से कम ना करें, 250 है तो 250। कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि 200 से अगर कम हो जाए चल जाएगा। देखें, एक तो ह्यूमंस एक आम कॉमन परसेप्शन लेवल होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है तो उसी के मुताबिक आप चलें। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने कम वर्ड्स लिखे हैं तो फिर भी हमारा GDB अच्छा रिजल्ट आ गया है, तो ये एक मिथ बैठी हुई है कि कुछ इंस्ट्रक्टर्स या सुपरवाइजर होते हैं वो सिर्फ GDB को पूरा पूरा पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ इन द स्टार्टेड या इन द एंडेड पढ़ते हैं, देन क्या होता है कि वो पूरे पूरे नंबर दे देते हैं, वर्ड्स काउंट नहीं करते। लेकिन अगर क्रिटिकल वाला आपको सुपरवाइजर या इंस्ट्रक्टर अगर टकर गया है स्टूडेंट्स को तो क्या होता है कि वो एक एक चीज़ नोट देख चीज़ देखता है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है कि नहीं है, 200 से 250 वर्ड्स है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट है कि नहीं है, लॉजिकल कंसेप्चुअल पॉइंट है कि नहीं है, आर्गुमेंट्स क्या लॉजिक फुल या एग्जांपल के मुताबिक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें नोट करने के बाद भी स्टूडेंट को 5 नंबर देता है, वरना फिर 3.5, वरना फिर 2.5,
ऑलमोस्ट ये जो दूसरी कैटेगरी के जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते स्टूडेंट्स उनको भी मिल जाते हैं। अच्छा आंसर की बात करें तो इसमें मैंने बताया गया इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो ग्रेटिट्यूड है वो एक किस्म का ब्लेसिंग रिसीव करने को डिफाइन करता है, जाहिर करता है, और ये एक अहम किरदार अदा करता है लाइफ की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव आउटलुक है को बढ़ाता है लाइफ में और प्रमोट करता है इमोशनल वेलबींग को लेकर और रेजिलियंस को लेकर। रेजिलियंस मतलब चोट अगर लग चुकी हुई है तो जहर से बात है कि चोट रेजिलियंस को चोट ही कहा जाता है आमतौर पर। वेलबींग मतलब के हाल हेल्थ को कहा जाता है। अगर इंसान दुखी है या गम में है या हेल्दी है तो उसको एक प्रमोट करता है उसको इमोशनल वेलबींग को लेकर और रेजिलियंस को लेकर ग्रेटिट्यूड। अगर इसका शिफ्ट फोकस कर दिया जाए ग्रेटिट्यूड का व्हाट इज लैकिंग के क्या कमी हो रही है और व्हाट इज प्रेजेंट मौजूदा जमाने में और फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ अबंडेंस को, और तो ये हमारी सेंस ऑफ अबंडेंस को और कंटेंटमेंट को लेकर ये जो है वो बढ़ाता है भी। फर्स्टली अगर देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड जो है वो लाइफ सेटिस्फिकेशन को बढ़ाता है जो कि इम्प्रूव होती है मेंटल हेल्थ से। स्टडीज ने ये बताया है कि इनफरादी तौर पर जो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस को लो लेवल्स ऑफ उसका जो है वो स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन होता है। और ये जो ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रेटिट्यूड है वो बढ़ाता है पॉजिटिव माइंडसेट को और रिड्यूस करता है कम करता है नेगेटिव इमोशंस को और बढ़ाता है ओवरऑल इमोशनल बैलेंस को। सेकेंडली अगर बात की जाए तो ग्रेटिट्यूड जो है मतलब कि शुक्रगुजारी किया है कि वो एक किस्म का स्ट्रेंथ होती है सोशल बॉन्ड्स को लेकर, मतलब कि आप सोशल बॉन्ड्स में भी ग्रेटिट्यूड रखते हो तो उसमें भी एक मजबूती आती है। सोशल बॉन्ड्स से मना दी है कि आप अपने जो नेबरहुड्स हैं या फिर आपके कोलीग्स हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें अगर ग्रेटिट्यूड अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो सोशल बॉन्ड्स में भी स्ट्रेंथ आती है। और ये जो ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्रेस करता है अप्रिशिएटली टूवर्ड्स को लेकर और बढ़ाता है सेंस ऑफ कनेक्शंस को लेकर और सपोर्ट करता है। बुनियादी तौर पर अगर इमोशनल वेलबींग को जो है वो जो जिससे क्या होता है कि बुनियादी तौर पर इमोशनल वेलबींग क्रिएट होती है और पॉजिटिव सोशल इंट्रैक्शन जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली लाइफ सेटिस्फिकेशन को लेकर। जाहिर सी बात है कि ग्रेटिट्यूड से ही होगा पॉजिटिव सोशल इंट्रैक्शन जब सोशल बॉन्ड्स में स्ट्रेंथ पैदा होगी ग्रेटिट्यूड से, और ये प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग को लेकर और कम्युनिटी में। फर्दर मोर अगर मजीद बात की जाए तो ग्रेटिट्यूड जो है वो प्रमोट्स करता है सेंस ऑफ पर्पस को, मतलब कि जिंदगी का पर्पस क्या है उस आपका आपके सेंसेस बताएंगे कि जिंदगी का मकसद ये है ग्रेटिट्यूड करने से। ग्रेटिट्यूड प्रमोट करता है बढ़ाता है और लाइफ के जो मीनिंग्स है उसको भी बताता है और ये हमें रिकॉग्नाइज कराता है अप्रिशिएटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लाइफ को जो लीड करते हैं फुलफिलिंग और पर्पस ड्राइव एग्जिस्टेंस को लेकर। अहम तौर पर अगर जो चीज़ें देखी जाए तो इनफरादी तौर पर ये जो है ग्रेटिट्यूड हमें मोटिवेट करता है कि किस तरह से हम एंगेज हो सकें प्रो सोशल बिहेवियर्स को लेकर। प्रो सोशल बिहेवियर से मुराद ये है कि जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किए हो माइंड में कि अपनी वाइफ के साथ मैंने ऐसा बिहेव करना है या अपने फ्रेंड के साथ मैंने ऐसा बिहेव करना है या अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करना है या अपने सिबलिंग्स के साथ ऐसा बिहेव करना है, वो एक प्रोफेशनल लेवल पे भी आ जाता है। मतलब कि इंसान ने पहले से जो सोच के रखा हो बिहेवियर्स या फिर सोशल फील्ड में या फिर अपने जो है फील्ड वर्क में अगर उसने बिहेवियर सोशल तो वो प्रो सोशल बिहेवियर्स में काउंट होता है। तो ग्रेटिट्यूड से भी ये जो है वो पता चलता है और मोटिवेट होता है इंसान और फर्दर ये होता है कि वो इन्हेंस होता है उसकी सेल्फ वर्थ उसकी जो होती है वो बढ़ती है सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और लाइफ सेटिस्फिकेशन बढ़ती है ग्रेटिट्यूड से। लास्ट में अगर बात की जाए तो ग्रेटिट्यूड जो है वो इन्हेंस करता है फिजिकल हेल्थ को और ये ग्रेटफुल इंडिविजुअली तौर पर ये टेंड होता है एंगेज इन हेल्थियर बिहेवियर्स को लेकर सच एज रेगुलर एक्सरसाइज की जाए और मुनासिब तौर पर सोया जाए, तो ये एक बुनियादी तौर पर
कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल वेलबींग को। जाहिर सी बात है कि एक ग्रेटफुल इंडिविजुअल तौर पर ही जब आप हेल्दी बिहेवियर से बिलोंग रखते हो, मतलब कि जैसे कि हेल्दी बिहेवियर्स के हैं, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, मुनासिब सोना, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है ये भी ग्रेटिट्यूड से ही बढ़ती है। और क्या होता है कि आपका पॉजिटिव इमोशनल जो स्टेट है वो एसोसिएट होता है ग्रेटिट्यूड से, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ जाता है और प्रमोट होती है आपकी बेहतरीन हेल्थ आउटकम्स आपको मिलते हैं। और कंक्लूजन में बात करें, नतीजे में मैंने ये बताया कि जो ग्रेटिट्यूड है वो इनफरादी तौर पर अहम किरदार अदा करता है लाइफ सेटिस्फेक्शंस में, और इनहेंस करता है हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ को और स्ट्रेंथिंग सोशल कनेक्शंस को लेकर, उनकी जो सोशल कनेक्शंस है उसमें भी स्ट्रेंथ पैदा करता है और बढ़ाता है हमारे सेंस ऑफ पर्पस को लेकर। अब सेंस ऑफ पर्पस क्या है, लाइफ का एम क्या है, कुछ लोगों को लाइफ का एम नहीं पता चलता, तो जो इसलिए वो ज़िंदगी में एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड उनके लिए लाजमी होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक, अगर आप उनके अंदर ग्रेटिट्यूड ताल्लुक जो है वो डाल दें। और एज अ मुस्लिम हमसे बढ़कर कोई ग्रेटिट्यूड हो नहीं सकता। हम हर और वैसे भी अगर कुरान के रूप से अगर देखा जाए तो कुरान में तो अल्लाह ताला ने बाकायदा नक्शा खींचा है कि क्या रोज़े महशर क़यामत के दिन मेरा शुक्र अदा करने वाले थोड़े होंगे। तो दुनिया में अगर शुक्रगुजारी अल्लाह की ज़्यादा करना शुरू कर दें और क़यामत में जो अल्लाह ताला ने बताया है कि मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े होंगे लेकिन हम ज़्यादा हो जाएँ, तो क्या है कि दुनिया आधे से ज़्यादा जो है ना, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का जो शिकार है, जो मुसलमान स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी के शिकार है, उनकी ज़िंदगी से स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी ही निकल जाए। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया होता, 2 साल 3 साल अगर देख लिया जाए, अगर मुसलसल आप ग्रेटिट्यूड ना करें तो क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और आप अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं तो आप खुद भी इसको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, आपको खुद ब खुद डिप्रेशन और स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। तो हमें तो बार बार शुक्रगुजारी की तलकीन की गई है कुरान में भी और हदीसों में भी। तो सेंस ऑफ पर्पस जो है वो हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है ग्रेटिट्यूड से। अच्छा, आगे मैंने बताया कि एक कल्टीवेटिंग अगर बात बाय कल्टीवेटिंग ग्रेटिट्यूड से क्या होता है कि हमें इंफरादी तौर पर हमारे अंदर डेवलप होती है पॉजिटिव आउटलुक लाइफ को लेकर। जाहिर से बात है कि जब हमें शुक्रगुजारी, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो नाउम्मीद होते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई ना किसी चीज़ से वो उकता चुके होते हैं, तो सुसाइडल कर रहे होते हैं या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको मौत आ जाए, ज़िंदगी का पर्पस नहीं रह चुका हुआ। तो क्या है कि उनके अगर ग्रेटिट्यूड जो होता है कल्टीवेट करता है, अगर उनके उन कल्टीवेट किया जाए ग्रेटिट्यूड से, तो क्या होता है कि उनको पॉजिटिव आउटलुक मिलता है, उनको पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद है। और अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेमकसद नहीं इस दुनिया में पैदा किया, उसका कहीं ना कहीं मकसद है। जैसे कि अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर मुझे साइकोलॉजी की फील्ड में लाया है और मैं साइकोलॉजी में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और वीडियो वगैरह भी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी में चैनल बनाकर अगर अपलोड करके आप स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ, तो देन क्या है कि ये भी मेरे लाइफ में अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मुझे पर्पस रखा था और मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से कि एक किस्म का ग्रेटिट्यूड मुझे अल्लाह ताला ने इस सूरत में अता किया है और अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर, और जो मैं कभी भी अल्लाह ताला का एहसान नहीं उतार सकता और कभी भी अल्लाह ताला की जो मुझे दी है विल पावर उसका मैं एहसान नहीं उतार सकता, और ये मेरे लिए बहुत बहुत करम है अल्लाह ताला का और मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो ये एक किस्म का हर है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद है, यहाँ तक कि इस दुनिया में जितने भी हशरात हैं, जितने भी जिन हैं, जितने भी परिंद हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका ना कहीं मकसद है। हिरन अगर पैदा की है तो शेर, वो खुराक किसकी बन गई, शेर की, ठीक है। इसी तरह अगर शेर अगर
चूंटी को लिया जाए तो उसके कहीं ना कहीं मकसद है। दुनिया में अगर चूंटी, दुनिया में सबसे ज्यादा चूंटी की तादाद है, अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो दुनिया, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि अगर दुनिया में सिर्फ चूंटियों को खत्म कर दिया जाए ना, तो दुनिया में पूरी 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 दुनिया बंजर हो जाए, जरखेज ना हो। तो जहाँ पे ज़मीनी हशरात जो होते हैं वो भी ज़मीन की जरखेज़ी को बहाल रखने में मददगार साबित हो रहे होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो अपनी लाइफ में लाजमी रखी है एज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक। और साथ में ये है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास अगर क्लाइंट आते हैं, फ्यूचर में नहीं भी आते, और तब भी आप ग्रेटिट्यूड फुल रहें, ग्रेटिट्यूड वाले मूड में ही रहें, एटीट्यूड वाले मूड में ना रहें। एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं मरवा देगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड जो है और वो कहीं ना कहीं आपको आपको एज अ टॉप लेवल पर, एज लेवल पे ले जाएगा। और ये यही वजह है कि जिस मुसलमान के अंदर आजजी और इंसारी होती है, आजजी इंसारी ग्रेटिट्यूड का दूसरा वर्जन है। तो जिस इंसान में आजजी इंसारी होती है, अल्लाह ताला उसको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फल लगा देता है। तो मजीद ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज़।